कराए आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौए को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त तो हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी तालाब बावड़ी कुआं कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर आ जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृ दोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी तालाब बावड़ी कुआं जो आपके शहर में आपके गांव में आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा। अगर नदी तालाब बावड़ी कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी तालाब बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी कुआं नदी तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो आगे बढ़ो उन्नति करो तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है, आप देंगे उसको मिलेगा। कुछ करा ना करा फिर अमावस्या के दिन जिस दिन पितृ दो